हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम आंट जेनिफर स्टाइगर्स, जो एड्रिन रिच की लिखी हुई है, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। दीज लाइन्स, रेफरेंस में देखना, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन्स ली गई हैं फ्रॉम द पोइम, पोइम से आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर के टाइगर, कंपोज्ड, जिसकी रचना की गई है बाय एड्रिन रिच, एड्रिन रिच के द्वारा। कंटेक्स्ट, इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट, पोइट वर्णन करती है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का, ऑफ ए मैरिड लाइफ, एक वैवाहिक जीवन की, थ्रू आंट जेनिफर, आंट जेनिफर के माध्यम से, एंड हर टाइगर्स, और उसके टाइगर्स के माध्यम से। द टाइगर्स आर फियरलेस, टाइगर्स जो हैं वो फियरलेस हैं, विद प्राइड, गर्व के साथ, बट आंट इज फेसिंग, परंतु आंट सामना कर रही है बिटर एक्सपीरियंस, कटु अनुभव का, ऑफ हर मैरिड लाइफ, उसके वैवाहिक जीवन के। एक्सप्लेनेशन में देखो, इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइटेस वांट्स टू से, पोइटेस कहना चाहती है दैट आंट जेनिफर वांट्स टू बी फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग, कि आंट जेनिफर बनना चाहती है फियरलेस, बहरहित, एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग। सो सी हैज क्रिएटेड, इसलिए उसने बनाए हैं टाइगर्स, टाइगर्स ऑन स्क्रीन, एक पर्दे पर। द टाइगर्स ऑन द स्क्रीन आर वेरी एक्टिव, पर्दे पर जो टाइगर हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, बोल्ड बोल्ड हैं, एंड एनर्जेटिक, और ऊर्जावान हैं। बट आंट जेनिफर रिमेंबर्स, परंतु आंट जेनिफर याद करती है हर हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस, अपना कठोर और कटु, हार्ड कठोर बिटर कटु एक्सपीरियंसेस, अनुभव ऑफ मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन का। सी हैज़ नो फीलिंग्स ऑफ हर ओन, उसकी खुद की कोई फीलिंग्स नहीं है। दस द टाइगर्स आर सो डिफरेंट, इसलिए टाइगर्स काफ़ी भिन्न हैं फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, उसके खुद के कैरेक्टर से। दे आर फियरलेस, वे भय रहित हैं, एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आंट जेनिफर इज सराउंडेड, आंट जेनिफर घिरी हुई है बाई ऑर्डिल्स, बाधाओं से, ऑफ हर मैरिड लाइफ, उसके वैवाहिक जीवन की। ऑर्डिल्स बाधाएँ, प्रॉब्लम्स, दैट इवन आफ्टर हर डेथ, की उसकी मृत्यु के बाद भी, परहैप्स सी विल नॉट बी फ्री, शायद वह फ्री नहीं होगी फ्रॉम दिस बर्डन, इस बर्डन से, इस बोझ से। द लैंग्वेज ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइन्स की लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल है, सिम्बोलिक, प्रतीकात्मक है, एंड एट्रेक्टिव, और आकर्षित करने वाली है। थ्रू दीज लाइन्स, इन लाइन्स के माध्यम से, द पोइटेस वांट्स, पोइटेस चाहती है फ्रीडम, आज़ादी, एंड इक्वलिटी, और समानता, फॉर ऑल विमेन, सभी औरतों के लिए। इस क्लास में हमने आंट जेनिफर स्टाइगर्स का एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन किया है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।